লোকো পাইলটদের বিশ্রামের সুব্যবস্থা করতে আরো উন্নত পরিষেবা চালু করল ভারতীয় রেল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে রানিং রুমগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে ইতিমধ্যে। বাদ যায়নি মালদা টাউন স্টেশনে ক্রু রানিং রুম। এই ক্রু রানিং রুমে ই লোকো পাইলটেরা ডিউটি শেষ করে বিশ্রাম করেন। এতদিন পরিকাঠামো সেরকম কোন ব্যবস্থা ছিল না, আরামের কোন সুব্যবস্থা ছিল না লোকো পাইলটদের জন্য। এবার রেলের পক্ষ থেকে প্রতিটি ক্রু রানিং রুমে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিশ্রামাগার তৈরি করা হচ্ছে। আরামদায়ক বিছানা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই থাকছে এই সমস্ত রুমগুলিতে। এছাড়াও লোকো পাইলটরা যেন মানসিক শান্তি নিতে পারে তার জন্য থাকছে মেডিটেশন রুম, রিডিং রুম। এছাড়াও এবার ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে লোকো পাইলটদের সুবিধার জন্য ট্রেনের ইঞ্জিনে বসানো হচ্ছে টয়লেট, এমনকি ইঞ্জিনগুলির লোকো পাইলটদের বসার জায়গায় এসি বসানো হয়েছে। और जो है पुनः जो है कल जो है कल के डेट में मेल काम करके जाएंगे 156। तो ये जो अभी अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम जो है योगा कर रहे हैं, खाना पीना खा करके थोड़ा सा योगा कर रहे हैं और आराम किए हुए हैं। आराम करने के बाद जो थोड़ा सा योगा कर रहे हैं। योगा करने से मानसिक जो है संतुष्टि मिलती है, मानसिक थकान दूर होता है, शारीरिक थकान भी दूर होता है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। अभी आपका वो जो भारतीय रेल का जो नया जो उद्योग जो दिए जो एसी इंजन रहने से हम लोग को काम करने में बहुत सुविधा होता है, मानसिक रिलैक्स मिलता है हम लोग को, शारीरिक थकावट उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जिस रेल में जिस लोगों में ऐसी का सुविधा नहीं रहता है उसमें काफ़ी परेशानी होती है, खासकर गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और यहाँ तक कि हम लोग को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, डिहाइड्रेशन का डर होता है और हम लोग जो है काम करने में बहुत असहनीय महसूस करते हैं। तो एसी लग गया क्या बोलेंगे? हाँ, जिस लोगों में एसी लग गया उसमें काम करने में बहुत सुविधा है और ये सराहनीय कदम है रेलवे का और इसका सराहनीय कदम के लिए जो है हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। रनिंग रूम में जो फैसिलिटी दिया जा रहा है वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। क्या क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटी जैसे यहाँ है आपका एसी रूम है, उसके बाद लैट्रिन अटैच बाथरूम है, रूम है, उसके बाद जो है योगा रूम है, मेडिटेशन रूम है, ये सब फैसिलिटी है। हाँ, काम में थोड़ा सा परेशानी तो है लेकिन ये सब फैसिलिटी मिलने से थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंद्रदेव कुमार हुआ, जमालपुर हेडक्वार्टर हुआ, हम जो है लोको पायलट मेल एक्सप्रेस हुए। सो भरत, मैं ये बता दूं कि लोको पायलट्स जो हमारे ट्रेन को चलाते हैं, लोको पायलट्स, असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर, ये पूरा क्रू का सिस्टम होता है हमारा, तो ये रनिंग स्टाफ कहलाता है। और रनिंग स्टाफ की हम लोग उनके वर्क एंड रेस्ट की और उनको किस तरह से उनको रेस्ट कराना है जबकि वो अपने घर से दूर जा कर के कहीं पे साइन ऑफ कर रहे हैं, तो वहाँ के बाद उसको कहाँ पे किस प्रकार से रेस्ट कराना है, इसके बड़े बड़े अच्छे रेलवेज के सिस्टम्स होते हैं। आप देखेंगे कि जो नॉर्मली कार व्हीकल चलाने वाले, अपनी पर्सनल कार चलाने वाला व्यक्ति कई बार 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे भी गाड़ी चला लेता है और उसकी कोई लॉगिंग नहीं होती है। इवन फॉर दैट मैटर ट्रक्स में भी कई बार ऐसा देखा गया है, लेकिन रेलवेज में जो लोको पायलट्स होते हैं उनके नियम होते हैं कि एक सर्टन टाइम के बाद उनको मैंडेटरी है रेस्ट कराना। तो हम लोग जो एवरेज ड्यूटी है भारतीय रेल में लोको पायलट्स की वो लगभग 8 घंटे के आसपास है और इनके अगर वो आउट स्टेशन है यानी कि वो गांव में भी कोई एरिया है तो वहाँ पे अगर लॉबी है वहाँ साइन ऑफ कर रहा है तो वहाँ पे रेलवेज पूरा एक रनिंग रूम बनाती है जो कि आप समझ सकते हैं कि एक लगभग 2 सितारा होटल की तरह होता है जहाँ पे उनको खाना पीना मिलता है, एसी रेस्ट करने की फैसिलिटी मिलती है और साथ में वहाँ पे मेडिटेशन रूम, जिमनेजियम, रीडिंग रूम, इस तरह की फैसिलिटीज़ हम लोको पायलट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो एक हर्ष की बात यह है कि पिछले कुछ सालों से एक एफर्ट चल रहा था, अब देश के करीब 560 जो रनिंग रूम्स हैं,
558 या कुछ, तो वो सारे के सारे अब हमने एसी करा दिए हैं पूरे भारतीय रेल में। मालदा मंडल में भी सारे हमारे रनिंग रूम जो हैं वो एयर कंडीशन है। और इसके अलावा एक और रेलवे के जो स्टाफ है, जो रनिंग स्टाफ है, उसकी जो ड्यूटी की स्ट्रेस को देखते हुए मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि इनकी ड्यूटी में तरह तरह का फिजिकल स्ट्रेस बहुत है। तो 8 घंटे हम ट्रेन को लेकर चल रहे हैं और जिस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी डिसीजन मेकिंग है, सिग्नल को देखना है उसके हिसाब से, उसके एस्पेक्ट को देख करके आगे बढ़ना है, कई बार कर्व होते हैं तो लुक बैक करना है, कहीं स्टेशन मास्टर बगल में या गेट्स हैं, लेवल क्रॉसिंग गेट्स हैं तो वहाँ पे ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना है, तो इस तरह से मल्टीपल ड्यूटीज़। और उनको अपने इंजन के पैनल में भी कई चीज़ें देखनी है, ब्रेक कब कितना लगाना है उसकी फील होनी चाहिए उनके अंदर, तो स्ट्रेसफुल ड्यूटी है तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने एक जो चीज़ अभी करी है कि कई कैब्स जो होती हैं जिसमें वो इंजन कैब्स होती हैं तो उनमें भी टॉयलेट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। लगभग मैं समझता हूँ कि 800 से ज़्यादा कैब्स हैं जिसमें टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है, 7000 से ज़्यादा इंजन की कैब्स को एयर कंडीशन बना दिया गया है ताकि जो टोटल थकान है वो कम हो हमारे लोको पायलट की और उसकी अलर्टनेस का लेवल जो है वो हाई रहे। मालदा मंडल के बारे में आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं कि करीब लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने जो हमारा फरक्का स्टेशन है, जो एनटीपीसी है उसके पास में तिलदंगा स्टेशन है तो वहाँ पे एक हमारा रनिंग रूम है, उसके इम्प्रूवमेंट प्लस बररवा प्लस दो और स्टेशन्स को जोड़ करके 2.5 करोड़ का एक वर्क सेंक्शन हो गया है। और साथ में साहिबगंज और भागलपुर में हमारे जो रनिंग रूम है जहाँ पे मालदा का भी स्टाफ जाता है और रेस्ट करता है, आउटस्टेशन रेस्ट, उसके लिए 2.1 करोड़ का काम स्वीकृत हो गया है। तो निरंतर हमारा प्रयास है कि जो रेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसमें निरंतर विकास होता रहे, उसमें निरंतर सुधार होता रहे। 7075 मेरे ख्याल से फिगर है अभी, तो 7000 से ऊपर लोकोमोटिव्स में इंजन में एसी प्रोवाइड कर दिया गया है। ये देखिए ये हाइजीन फैसिलिटीज़ हैं। अब तो देखिए नॉर्मल आदमी अगर थकान होगी तो उसकी अलर्टनेस लेवल कम होगी, तो हमारी सोच ये है कि जिस आदमी की के ऊपर हमने इतना जिम्मेदारी डाली हुई है, जिस आदमी के डिसीजन से, जिस आदमी की वर्किंग से इतना सब कुछ निर्भर है, स्पीड निर्भर है, टाइमलीनेस, पंक्चुअलिटी निर्भर है, रेल पैसेंजर रेस्ट जब हो तो उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो ये हमारा प्रयास है और ये अनूठा प्रयास है। मतलब ये चीज़ पहले नहीं थी, पहले ये थिंकिंग नहीं थी, पहले थिंकिंग ये थी कि वो जितना उसके लिए डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशंस होंगी उतना ही वो अलर्ट रहेगा, क्योंकि वो मतलब जितना टफ शेकी मूवमेंट होगा उतना वो जगह रहेगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर वो वेल रेस्टेड रहेगा, थकान नहीं होगी, तो उसकी अलर्टनेस